आप सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। आज से एक महीना पहले मैं अमेरिका गया था यात्रा पर। कई नए लोगों से मेरी बात हुई, सुंदर साथ, प्रवाही जन, कई आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा हुई, प्रश्नोत्तरी हुई। जहाँ तक मैंने समझा है और जहाँ तक मैंने पश्चिम की दुनिया को देखा है, यहाँ के विचारकों को पढ़ा है, उनकी किताबों को पढ़ा है, उनके भाषणों को सुना है, एक प्रश्न सदैव उठता है, आज पश्चिम में उठा है, भारत में भी उठने लगा है, थोड़े समय बाद ये भारत में भी बहुत बुलंद होगा। प्रश्न ये है कि आज की दुनिया में जहां विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, इंसान आज हवा में उड़ रहा है, चांद तारों पर भी जा पहुंचा है, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हम एक दूसरे को इस तरह सामने बैठ करके सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 200-250 साल के इतिहास में ये दुनिया जितनी तेजी से बदली है, इतना तेज परिवर्तन आज तक इस दुनिया में कभी नहीं आया। एक वैज्ञानिक अपनी लैब में बैठ करके ये डिसाइड करता है कि एक पेड़ पर कौन से रंग की पत्तियां लगेंगी, कौन से रंग के फूल आएंगे, किस ऋतु में फूल खिलेंगे, किस ऋतु में फल लगेंगे, उस फल का स्वाद कैसा होगा, उसमें मिठास कैसी होगी। और वो दिन भी दूर नहीं जब पेड़ पौधों की तरह माता पिता भी एक लैब में जाकर के डिसाइड कर सकेंगे कि आपको किस रंग का पुत्र चाहिए, किस रंग की संतान चाहिए, उसकी आंखें कैसी हों, उसका आईक्यू लेवल कैसा हो, उसके हाथ कैसे हों, उसकी हाइट कैसे हो। न माता के गर्भ की आवश्यकता है। प्रश्न उठता है कि इतनी तेजी से जो ये विज्ञान प्रगति कर रहा है, विज्ञान ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। पहली बार इस मानव सभ्यता के इतिहास में इतनी संपन्नता आई है, इतनी औद्योगिक उन्नति हुई, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, मशीन क्रांति। अब प्रश्न उठता है कि जिस विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को इतना आमूल चूक बदल दिया, उस संसार में, विज्ञान के उस युग में धर्म की आवश्यकता ही क्या है। धर्म ने आखिर मनुष्य को दिया ही क्या है। और कई पश्चिम के विचारक इस पर बहुत अधिक किताबों में लिखते भी हैं कि यदि पूरे धर्म का इतिहास देखा जाए तो धर्म ने मनुष्य को दिया क्या सिवाय लड़ाई, झगड़ा, विभाजन, खून खराबा, दंगा, वैमनस्य। एक भारतीय संस्कृति ऐसी हुई जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की, लेकिन यदि मध्य एशिया की जातियों को देखें, यूरोप की जातियों को देखें, तो पूरा धर्म का इतिहास खून की स्याही से लिखा हुआ है। पहला विश्व युद्ध हुआ, उसमें 2.5 लाख लोग मारे गए। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें 10 लाख लोग मारे गए। लेकिन धर्म के नाम पर जितनी लड़ाइयां इस पृथ्वी पर हुई हैं, उस पर उन लड़ाइयों में, इन विश्व युद्धों से सैकड़ों गुना संख्या में लोग मारे गए। अडोल्फ हिटलर, चंगेज खान, महमूद गजनवी, ये जाने जाते हैं अपनी क्रूरता के लिए, जिन्होंने बड़ी संख्या में मानव का नरसंहार किया। लेकिन धर्म के इतिहास को देखा जाए तो इस दुनिया में मानव का सबसे अधिक शोषण करने वाले पादरी, ईसाई, मुल्ला और पंडे ही होंगे। प्रश्न ये उठता है कि ऐसे धर्म की इस पृथ्वी पर क्या आवश्यकता है। और ऐसे विचारकों को अब ये धर्म, ईश्वर, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, इन सब बातों से दुर्गंध आती है और वो मानते हैं कि ऐसे धर्म को अब इस पृथ्वी से विदा हो जाना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि जब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब बंद कर दिए जाएं, धर्म को इस पृथ्वी से
विदा कर दिया जाए। और कुछ किताबें तो ऐसी लिखी गई कि ईश्वर अब मर चुका है, धर्म अफीम की गोली है। इन बातों को देखते हैं, इन बातों को पढ़ते हैं तो ऊपरी दृष्टि से यथार्थ भी प्रतीत होती हैं कि बिल्कुल सत्य बात है। आखिर धर्म ने मनुष्य को केवल लड़ाई झगड़ा विभाजन के सिवाय क्या दिया? लेकिन यदि कोई गहरे में विश्लेषण करे, यदि कोई गहरे तल में जाकर के इसका चिंतन करे, एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि भले ही संसार में उन्नति हो रही हो, भले ही विज्ञान ने मनुष्य को जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन जैसे जैसे संसार में समृद्धि आती गई, मनुष्य का असंतोष उतने ही अनुपात में बढ़ता गया। बाहर धन के ढेर लगे हैं लेकिन भीतर दरिद्रता चोट करती है। बाहर सारे संसाधन संपन्न हैं लेकिन भीतर से मनुष्य खाली है। बाहर हमने शिखरों को छुआ है लेकिन भीतर जो एक खाई है वो हर दिन बढ़ती जा रही है। और ये भी पहली बार मनुष्य के इतिहास में हुआ है कि मानव आज से पहले इतना अधिक उदास कभी नहीं था। आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, लोगों के उदास चेहरे, उनके बोझिल मन, भुजी हुई आंखें, हर कोई असंतुष्ट है, हर कोई असंतोष के मार्ग पर चल रहा है। गलती कहां हुई, भूल कहां हुई? इसका उत्तर पूर्व के पास है, भारत के पास है, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में निहित है। कपिल मुनि ने जब सांख्य दर्शन की रचना की, उन्होंने प्रकृति और पुरुष दो तत्वों का वर्णन किया। चेतन क्या है? शुद्ध बुद्ध स्वरूप, जो आनंद स्वरूप है। हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा कि जो आनंद है वो तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हारा स्वरूप है, उससे तुम कभी जुदा हो ही नहीं सकते। लेकिन भौतिकवाद के रास्ते पर जब मनुष्य चलता है तो वो अपने भीतर को, भीतर के आनंद को भूल करके बाहर के संसार में आनंद को ढूंढता है। और यही सबसे बड़ी भूल हुई। जैसे जैसे विज्ञान की उन्नति हुई, मनुष्य ने उस आनंद को बाहर ढूंढना शुरू किया। और यही वो कारण था कि जैसे जैसे बाहर समृद्धि होती गई, मनुष्य भीतर से उतना ही ज्यादा दरिद्र होता गया, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर दरिद्रता आती गई। बाहर संसाधन है लेकिन भीतर दरिद्रता है, बाहर शिखरों को छू रहा है लेकिन भीतर जो गहराई है, भीतर जो खाई है, वो प्रतिदिन गहरी होती जा रही है। आपने देखा होगा चारों तरफ चमकते बाजार, चकाचौंध। आपको क्या लगता है कि ये लोग खुश हैं जो बाजार में जाते हैं? मनुष्य अपनी कमी को, मनुष्य अपने असंतोष को, मनुष्य अपनी अशांति को भरना चाहता है किसी भी प्रकार से। आपको जानकर के हैरानी होगी कि अमेज़न जैसी कंपनियां हर साल 8,500 करोड़ केवल इस पर खर्च करती हैं कि किस प्रकार से ये जो असंतोष से भरी दुनिया है, जो ये दुखी लोग हैं, इनको किस प्रकार से अपना सामान बेचा जाए। पिछले साल 4,500 करोड़ केवल इस बात पर खर्च किए गए कि किस प्रकार से आपके घर घर तक सामान पहुंचाया जाए। आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, आपके लिए जरूरी नहीं है। आप पहले दिन देखते हो, आपको लगता है ये हमारे लिए जरूरी नहीं। दूसरे दिन फिर दिखाया जाता है, आपको लगता है कि हाँ इसे लिया जा सकता है। तीसरे दिन जब दिखाया जाता है तब आपको लगता है कि हाँ ये तो जरूरी है। और जब चौथे दिन वो चीज दिखाई जाती है, आपको लगता है कि इसके बगैर तो अब रहा ही नहीं जा सकता। आप अपने घर में चारों तरफ देखिए, आपके घर में 70% से 80% सामान ऐसा है जिसकी आपको आवश्यकता ही नहीं। आपकी अलमारियों में 70% से 80% कपड़े ऐसे होंगे
जो कभी आप पहनते भी नहीं। मनुष्य में भोजन के प्रति ये जो उत्सुकता बढ़ी है, मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य जितना मानसिक रूप से विकलांग होने लगता है, उसकी रुचि उतनी ज्यादा भोजन में बढ़ने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि भोजन में रस है। हम घूंज रहे हैं उसको बाहर, कभी भोजन में, कभी कपड़ों में, संसार के सभी संसाधनों में, लेकिन ये पिछले 150-200 सालों का इतिहास गवाह रहा है कि किसी जिसने बाहर ढूंढा उसे कभी भी नहीं मिला। जैसे आग का पेड़ है, उसको भले ही माली कितना शहद और दूध से सींचे, उस पर कभी भी आम का फल नहीं लग सकता। करेले की बेल को चाहे कितना ही शहद और मधु अमृत से सींचा जाए, उस पर कभी अंगूर नहीं लग सकते। तारतम वाणी कहती है कि रे मन त्रिखा न बुझे तेरी झांझुए, प्रतिबिंब पकड़ियो न जाए। कि जो बाहर दिखाई देता है, वो जो तुम्हारे भीतर आनंद है, उसका एक प्रतिबिंब, उसका एक प्रतिभास ही है, और प्रतिबिंब को पकड़ने का कोई उपाय नहीं है। मृग तृष्णा है, आज तक किसी हिरण की तृष्णा मृग जल से नहीं भरी, लेकिन फिर भी मनुष्य लगा है, हम सब लगे हैं। हमें लगता है कि एक दिन सुख होगा, एक दिन शांति होगी, एक दिन आनंद होगा, और सबसे बड़ी चिंता की बात आज के विचारकों के सामने क्या है कि आज 10 में से 4 लोग किसी ना किसी रूप से मनोवैज्ञानिक मनोरोग के शिकार हैं। अमेरिका जैसे उन्नत शहरों में 10 में से 6 लोग रात को सोने से पहले नींद की गोली लेते हैं, क्योंकि हर कोई दुखी है। हर किसी के जीवन से आनंद चला गया, संतोष चला गया, और सबसे बड़ी चिंता किस बात की है। एक मनोवैज्ञानिक ने अपनी किताब में लिखा है कि यदि इसी तरह से मनुष्य दौड़ता रहा, यदि इसी तरह से ये दुनिया चलती रही, तो आने वाले 100 सालों में इस बात की पूरी संभावना है कि इस धरती पर जितने लोग हैं, सभी के सभी विक्षिप्त हो जाएंगे, सभी के सभी किसी ना किसी मनोरोग से ग्रसित हो जाएंगे। आठ सौ करोड़ की ये दुनिया है। आज 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। उन 9 देशों को चलाने वाले 9 लोग ही तो हैं। 800 लोगों का भविष्य केवल 9 लोगों के हाथ में सुरक्षित है। और आज इस धरती पर इतनी मात्रा में परमाणु हथियारों को इकट्ठा किया जा चुका है कि पूरी धरती को 9 बार नष्ट किया जा सकता है। ये दुनिया एक ऐसे मुहान पर है, एक ऐसी दोराहे पर है जहां आगे कुआं है और पीछे खाई है। इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिकों की भारत के दर्शन में रुचि जागती है कि शायद भारत के पास कुछ ऐसा है जो इस दुनिया के अंदर शांति स्थापित करने का एक नया मार्ग दे सकता है। और सभी सुंदर साथ से मैं कहना चाहूंगा कि आज इस दुनिया को एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता है जो संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके, जो संकीर्णताओं को छोड़ करके सबका सम्मान करना जानती हो, जिसकी विचारधारा में सबका स्वागत हो, सब सयानों की एक मत पाई, जहां सभी शास्त्रों का आदर हो, जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं है शास्त्रों में सब कुछ, जो सबको अपने आंगन में समेटने की क्षमता रखती हो, जो अनेकता में एकता की बात करती हो, जुदे जुदे नाम कहा वही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। सृजी ने जो इस संसार को विचार दिया है, सृजी ने जो इस संसार को दर्शन दिया है, सृजी ने इस संसार को ये जो ब्रह्मवाणी दी है, ये ब्रह्मवाणी निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी का दर्शन बन सकती है।
यदि 21वीं शताब्दी में इस दुनिया ने धर्म के मर्म को नहीं समझा तो हो सकता है कि मानव के इतिहास में 21वीं शताब्दी ही अंतिम शताब्दी हो। शायद इस इतिहास को 22वीं शताब्दी देखने का अवसर ना मिले। हम सभी सुंदर सात तारतम वाणी की इस गरिमा को समझें। सृजी ने ये जो अनमोल ज्ञान हमें दिया है इसकी महत्ता को समझें। और मैं कई बार कहता हूं, इस बात को निसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि सृजी की विचारधारा ही एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी बगिया है जिसमें सभी प्रकार के फूल एक साथ खिल सकते हैं। सृजी का दर्शन एक ऐसा पनघट है जो हर किसी की प्यास बुझा सकता है। यहां कबीर पंथी का भी स्वागत है, वेद का भी स्वागत है, कतेब का भी स्वागत है, यहां वल्लभचार्य का भी स्वागत है। सृजी का ज्ञान, सृजी ने जो आनंद का रास्ता संसार को दिखाया है, वो ऐसा मानसरोवर है जिसमें सभी मतमतांतर के हंस एक साथ मोती चुन सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि यही वो समय है, 21वीं शताब्दी ही वो समय है जब इस दुनिया को, जब इस संसार को धर्म की सबसे अधिक आवश्यकता है। शायद इतनी आवश्यकता आज तक कभी न थी। आज इस दुनिया को देने के लिए भारत के पास सब बहुत कुछ है। आज इस संसार को देने के लिए निजानंद के पास बहुत कुछ है। हम सभी सुंदर साथ के पास बहुत कुछ है। मैं कई बार कहता हूं सुंदर साथ से, हम एक चौपाई को दोहराते हैं कि सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन। धाम के निस्बत को संसार में कैसे रोशन किया जाए? एक दीपक अपने आप को कैसे रोशन करता है? दीपक बस प्रज्वलित होता है, उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है, दीपक रोशन हो जाता है। एक फूल अपने आप को कैसे रोशन करता है? फूल की कोमलता, फूल की सुगंधि, फूल का सौंदर्य वो जब तक जीता है उसको चारों तरफ बिखेरता है, फूल रोशन हो जाता है। उसी प्रकार से हम निजानंद को कैसे रोशन करें? निजानंद के जो सिद्धांत हैं, प्रेम, सेवा, करुणा, त्याग, समर्पण, यदि हमने इस दीपक की लौ अपने हृदय में जलाई, यदि हमने इन संसार के अंदर इसकी सुगंधि चारों तरफ बिखेरी, सुंदर साथ रोशन होगा, निजानंद रोशन होगा। जैसे देवचंद्र जी को कांग जी भाई कहा करते थे, भट्ट जी कहा करते थे कि देवचंद्र जी चलती फिरती भागवत हैं। एक वृक्ष के पत्ते पत्तों की एक डाली डाली की खबर देवचंद्र जी को है, यदि भागवत रूपी ग्रंथ एक वृक्ष के समान है। यदि भागवत को देखना चाहते हो, भागवत को सुनना चाहते हो तो देवचंद्र जी को देखो, उनके जीवन को देखो, उनकी बातों को सुनो। मेरे मन में कई बार ऐसा विचार उठता है कि क्यों ना हम भी एक रहनी की ऐसे मार्ग पर चलें कि हमारे सदगुरु से भी कोई पूछे कि प्रेम क्या होता है, तो हमारे सदगुरु भी कहें कि अब प्रेम की चर्चा नहीं, वो एक अमुक सुंदर साथ हैं, उनके जीवन को देखो, उनके साथ कुछ दिन रहो, आपको पता चलेगा प्रेम क्या है। यदि कोई पूछे हमारे सदगुरु से कि आनंद किसे कहते हैं, समर्पण किसे कहा जाता है, त्याग की मूर्ति क्या है, हमारे सदगुरु भी कहें कि वो सुंदर साथ हैं, आप उनके बीच में जाओ, उनके साथ कुछ समय बिताओ, उनका जीवन आपको सिखाएगा कि त्याग क्या है, प्रेम क्या है, समर्पण क्या है। हम भी चलते फिरते कुलजुम बने, हम भी चलता फिरता निजानंद बने, ऐसा निजानंद जो केवल किताबों तक सीमित ना हो, ऐसा निजानंद जो केवल एक किताब, एक वाणी और एक सेवा पूजा तक सीमित ना हो, ऐसा निजानंद जिसकी सुगंधि हमारे जीवन से महके, हमारा जीवन वो उदाहरण बने कि निजानंदी किसे कहा जाता है, कौन है ऐसे लोग जो अपने आनंद को उपलब्ध हो गए। ये वो सुंदर साथ की जमात है। यदि सृजी का दर्शन करना है, इन सुंदर साथ की रहनी में उनका दर्शन होगा।
यदि उस अखंड रस को देखना है जो आज से 400 साल पहले पन्ना की धरती पर बरसा, तो इन सुंदर साथ को सुनो, इन सुंदर साथ के जीवन को देखो, इनके जीवन से वो महक उठती है, वो अनुभव कराएगी वो आनंद, वो रस जो एक समय परमहंसों के जीवन से बीता। तो हम सब मिलकर के गौरवान्वित हों, ये हमारा परम सौभाग्य है। मैं बार बार सुंदर साथ से कहता हूं कि हमारी अटूट आस्था ब्रह्मवाणी पर हो, हमारा अटूट समर्पण सृजी पर हो, कि आप मिले, आपका सानिध्य मिला, आपकी बड़ी कृपा, आपका अलौकिक प्रसाद, हम नतमस्तक हों, हम इन ऊंचे आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, हम निजानंद को जीना सीखें, हमारा जीवन प्रमाण बने कि निजानंद क्या है, निजानंदी किसे कहा जाता है। यदि हम इसे अपने जीवन में उतारेंगे, तभी वास्तव में हम अपना कर्तव्य भी निभाएंगे और सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, उसे रोशन भी कर पाएंगे। तो इतना ही स्वीकार कीजिए, आपके धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत पर ब्रह्म को मेरा प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।